So hi everyone, today we will discuss that how to deploy operating system or Windows operating system through SCCM or MECM primary server. हमारे पास एक DC मशीन अभी लाइव है. As per lab, आप लोगों को पता है क्या कन्फिग्रेशन है. और हमारे चैनल पर ऑलरेडी SCCM या MECM पर 21 वीडियोज़ अपलोडेड है. और पूरी सीरीज के लिए ये चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ही करना है आप लोगों को, क्योंकि आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे. देन आप यहाँ पर SCCM प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लेंगे SCCM MECM ट्यूटोरियल्स, या फिर इसको इन फ्यूचर मॉडिफाई भी किया जा सकता है. तो जस्ट आप ये चीज़ चेक कर लेंगे SCCM की ट्यूटोरियल्स को. MECM प्राइमरी सर्वर पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज माई प्राइमरी सर्वर. तो आपको एक विम फाइल चाहिए होगी और विम फाइल आप जो भी अपनी ISO फाइल डाउनलोड करते हो, चाहे वो विंडोज 7, 8, 10 कोई भी ISO फाइल है सर्वर की है, कोई भी, तो उसके उसको माउंट करने के बाद, माउंट जैसे ही आप कर देते हो, उसमें सोर्सेस नाम की एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो install.vim की एक फाइल मिलेगी. है अप्रॉक्सिमेट 4.39 GB की है. बस ये फाइल मुझे कॉपी करके रख लेना है. तो मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो विंडोज 10 एंटरप्राइज है और यहाँ पर install.vim की फाइल है. सबसे पहले आपको इस फाइल पर, इस डायरेक्टरी पर राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आना है, देन शेयरिंग में आना है और एवरीवन को आप यहाँ से इसको शेयर कर दो. ऑलरेडी मैं एवरीवन को शेयर कर चुका हूँ. और शेयर करने के बाद एडवांस शेयर में आकर आप इसको शेयर दिस फोल्डर जस्ट आप यहाँ से ऐड कर लेंगे, ओके कर लेंगे, फुल परमिशन यहाँ से अप्लाई कर देंगे. क्यों ये अप्लाई करना है? क्योंकि आप इसको शेयर करना है और हमें अगले किसी नई मशीन को ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है, तो शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट. जैसे ही आपका कंप्लीट शेयर हो जाता है, नेक्स्ट टास्क हमारे पास आता है कि हमें अपने MECM प्राइमरी सर्वर पर WDS यानी कि विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस इंस्टॉल होना चाहिए. तो इस पर आ जाना है. जैसे कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए ये चीज़ सर्च किया था, WSUS सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया था, वैसे हम लोग यहाँ पर फर्दर सारा काम करेंगे WDS के लिए. WDS के लिए मुझे ऐड रोल एंड फीचर पर आना है, नेक्स्ट करना है. WDS आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस. तो इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे. आई थिंक इधर कुछ भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट करेंगे. दोनों ऑप्शन, डिप्लॉयमेंट सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट सर्वर, ये दोनों, डिप्लॉयमेंट सर्वर, ट्रांसपोर्ट सर्वर, दोनों आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है. रीस्टार्ट कर लेंगे इनकेस अगर ये सर्वर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है तो मैंडेटरी है. देन इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे, हमारा WDS का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा. हमारा कंप्लीट हो गया इंस्टॉलेशन. और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको क्लोज करना है. रीस्टार्ट यहाँ पर हमारा मशीन नहीं हुआ तो बेटर है, थोड़ा समय बच जाएगा. यहाँ पर कुछ इवेंट्स वगैरह आप इसको हाइड कर सकते हो, एडिशनल पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बट मैं इसको थोड़ा सा इरिटेट करता है तो इसको हाइड कर देता हूँ. और जो भी हमारी सर्विसेज यहाँ पर ऑफ हैं इनको मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये भी हमारा ग्रीन चेक हो जाए, हमारा सर्वर एक बिल्कुल हेल्दी सर्वर की तरह दिखे. सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ऑन कर दी. अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने को स्टार्ट सर्वर. ओके, तो एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हमारा इधर क्या हो गया कम्प्लीट. जैसे हमारा ये सारा कन्फिग्रेशन कम्प्लीट हो जाता है, आपको अपने SCCM MECM कंसोल को ओपन करना है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर. इस वाले पार्ट को आप जस्ट इग्नोर कर सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो WDS इंस्टॉलेशन किया हुआ है, जो लोग WDS कभी इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो रेस्ट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना एक सर्वर ऐड कर सकते हो. और अगर स्टैंड अलोन सर्वर है तो स्टैंड अलोन, अगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है तो उसको चेक कर लेंगे, यस करेंगे, और जैसा भी आपको ऑप्शन करना है यहाँ से कन्फिगर कर सकते हो. देन ये कॉन्फ़िगरेशन जस्ट आप ग्रीन कर लेंगे या रोल इंस्टॉलेशन के बाद जस्ट आप उसको होल्ड कर सकते हैं. आगे हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, MECM कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ओपन करके. और हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लाइक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज करके एक ऑप्शन मिलेगा. देन हमें यहाँ पर इसको कन्फिगर करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टैब के अंदर अगर आप आ जाएंगे यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा. यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो मैंने शेयर किया हुआ है पाथ वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है. ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है, मैं इसको जस्ट रिमूव कर देता हूँ या मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ.
बिल्कुल फ्रेश इस तरीके से आपका होगा, न्यू न्यू पर। तो इस पर राइट क्लिक करके ऐड कर लो, ब्राउज करो आप। ब्राउज करने के बाद जो भी आपका लोकेशन है उसको आप सर्च कर लेंगे, ओपन करेंगे, या फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, बट यहाँ पर क्लिक कर लेना है, अदरवाइज ये EULA मस्ट बी एक्सेप्टेड, मीन्स जो भी आपके एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट सारी चीज़ें तो सब ओके हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, फाइनली लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो लैंग्वेज में यहाँ से इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर लोगे। देन x86 bit आर्किटेक्चर के लिए, जिसके लिए भी है, तो 64 bit आर्किटेक्चर। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपको वर्जन और सारा डिफाइन कर लेना है। तो विंडोज 10 का इवोल्यूशन वर्जन मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि तो अगर प्रोडक्ट की के साथ है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोडक्ट की को भी आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। आगे मैं बताऊँगा प्रोडक्ट की वगैरह के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, सेटिंग्स आगे मिलेंगी। वर्जन वगैरह यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, एक्यूरेट जो भी आपका करंट वर्जन है, ताकि आपको डिप्लॉयमेंट के समय इस वर्जन को आप समझ पाओ कि ये लेटेस्ट वर्जन है या जो भी है। देन नेक्स्ट करेंगे, और फाइनली मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है वो ऐड, जस्ट यहाँ से आपको क्लोज कर देना। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि इसका जो सक्सेस रेशियो है वो 0 से 1 हुआ या नहीं। अभी यहाँ पर नहीं होगा, आप रिफ्रेश भी कर लेंगे या जो भी है। तो हमें अब यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, मैंने सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में भी बताया है, यहाँ पर सक्सेस 1 होना चाहिए, और ये तभी होगा जब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट करेंगे, क्योंकि तो अभी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो राइट क्लिक करना है, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट पर क्लिक करना है, सेम जो आपका कंटेंट नेम है रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप जो भी आपके पास है सेलेक्ट करेंगे। मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अपना सर्वर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि em.sqlive.local करके है। नेक्स्ट करेंगे, और अगेन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे। तो हमारा थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रोग्रेस 1 हुआ है। कुछ देर बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका सक्सेस रेट 1 है। कंटेंट स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका क्या कंटेंट स्टेटस है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 का इंटरप्राइज एडिशन। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसको बैकअप यहाँ से कर सकते हो, और सक्सेस रेट आपका थोड़ी ही देर में विद इन 1 मिनट मेरा यहाँ पर सक्सेस 1। अब ये सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो, स्टेटस वगैरह का अपडेट, कंडीशन कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ यहाँ पर भी आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। डिटेल्स जो भी आपका है एंड समरी भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। सक्सेस 1 मीन्स आपका सक्सेसफुली OS इमेज ऐड हो गया। देन हमें एक और स्टेप यहाँ पर कन्फिगर करना है, PXC boot का। तो अगला स्टेप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आकर PXC boot कन्फिग्रेशन को लेकर। तो इसके अंदर जब आप आ जाएंगे और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना चुकी है em.sqlive.local। ये यहाँ से जब भी प्रीवियस सेशंस हमारा देखेंगे तो ये सब कुछ आपका कॉन्फ़िगर कैसे हुआ है ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना है। प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड टर्म्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PXC सिलेक्शन में आऊँगा एंड या PXC टैब में इनेबल कर लेना है और यस कर लेना है। यहाँ पर नेसेसरी ऑप्शंस है, जैसे हमारा जो PXC सपोर्ट है यानी कि जो नेटवर्क बूट है वो इनेबल होना चाहिए क्लाइंट मशीन के लिए, यस। अलाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट टू रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग PXC रिक्वेस्ट, यस। इनेबल अननोन कंप्यूटर सपोर्ट, यस। ये कर लेना है आपको, ओके कर देंगे। एंड यहाँ पर दिया हुआ रिस्पॉन्डर विदाउट विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अगर डिप्लॉय करना है तो सेलेक्ट कर लो, पासवर्ड यहाँ से कंफर्म कर दो, यानी कि अगर पासवर्ड आपको देना है डिप्लॉयमेंट के समय तो वो आप यहाँ से ऐड। एंड आपको पासवर्ड देने के बाद जस्ट, तो आप एक पासवर्ड स्पेसिफाई करने के बाद रिस्पॉन्ड टू PXC रिक्वेस्ट ऑन ऑल नेटवर्किंग स्पेसेस, बेटर है यही रहने दें आप। या तो फिर आप चाहते हो स्पेसिफिक किसी इंटरफेस को अप्लाई करना, आपके अगर सिस्टम पर एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हैं तो आप उस हार्डवेयर या मैक एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, यानी कि मैक एड्रेस से आपका स्पेसिफाई हो जाएगा कि यह दिस इज़ द पर्टिकुलर NIC नेटवर्क इंटरफेस जिसके थ्रू हमें ये डिप्लॉय करना है। मैं ऑन टू everyone करता हूँ एंड देन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जस्ट आपको अप्लाई करना है एंड देन ओके कर देना है, तो आपका यहाँ से एक पीएक्सी सेटअप रेडी हो जाता है। इस सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद साइट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी कि इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने प्राइमरी साइट पर। तो सेम हमारे पास जो ये साइट है, साइट में आ जाएंगे, प्राइमरी साइट जो हमारा है अभी MECM प्राइमरी सर्वर, इस पर हमें क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। राइट क्लिक करना है यहाँ से, वो कॉन्फ़िगर साइट कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। अगर आप इस पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ऊपर भी ऑप्शन है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑप्शन, दोनों जगह से सेम ऑप्शन मिलता है, आप जहाँ से भी सिलेक्ट कर लो देन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर। देन यहाँ पर कुछ नेसेसरी चेंजेज हैं जो कि हमें करना है। सबसे पहला चेंजेज हमारे पास आ जाता है, नेटवर्क टैब के अंदर आना है, यूज दिस कंप्यूटर अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाइड अकाउंट, एक अकाउंट एक्सेस करता हूँ नेटवर्क लोकेशन के लिए। अभी मैं यहाँ पर न्यू अकाउंट ऐड करता हूँ, मैं ब्राउज करता हूँ, मेरा जो अकाउंट यहाँ से मैं ब्राउज कर लेता हूँ। पीएम यूजर वन जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है MECM प्राइमरी सर्वर के लिए, इसको मैंने सेलेक्ट कर, सेम ऐसे ही अपना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड अप्लाई कर देना है। पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो वेरिफिकेशन पर प्रोसेस कर सकते हो, तो मैं वेरीफाई करता हूँ नेटवर्क शेयर, और जो भी मैंने शेयर किया हुआ था इसको जस्ट मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फाइल सेलेक्ट नहीं, टेस्ट कर लेना है द कनेक्शन वॉज सक्सेसफुली वेरीफाइड, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन लिंक यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ओके कर लेना है एंड उसके बाद जस्ट आप अप्लाई करके कर लेना, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाता है। सेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन के बाद का एक पॉइंट आता है यहाँ पर DSCP कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके नेटवर्क या सर्वर के साथ बूट होना चाहता है या पिंग होना चाहता है तो वो कैसे करेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक DSCP सर्वर होना। मैं DSCP सर्वर के लिए अपने DC सर्वर पर आ जाता हूँ, एक नया रोल ऐड करता हूँ विच इज़ DSCP कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। तो इनको आता है वो 2 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं या फिर इसको भी देख सकते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, क्योंकि एडिशनल कुछ सेटिंग करनी है, ओनली DSCP को इनेबल नहीं करना है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से मैं DSCP को सिलेक्ट कर लूँगा, फाइनली ऐड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रीस्टार्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, यस, और इंस्टॉल पर क्लिक कर दी, तो हमारा DSCP रोल इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो DSCP कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉलेशन होने के बाद कॉन्फ़िगर DSCP सर्वर करना है, मीट करना है एंड देन फाइनली क्लोज कर देना है, क्लोज कर देना है। DSCP का इंस्टॉलेशन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। इसके बाद टूल्स में आ जाओ आप और यहाँ पे DSCP ओपन करो। हमें ये डिफाइन करना है कि हमारे जो भी कंप्यूटर्स हैं वो किस रेंज में IP वगैरह मिलेंगे, ठीक है, किस रेंज में उनको IP प्रोवाइड करना है। मैं IP यहाँ से न्यू स्कोप वगैरह के थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। मान लिया कि मैं यहाँ पर सीखो लाइव क्लाइंट्स के लिए, नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं IP चाहता हूँ 192, जो भी आप रेंज देना चाहते हो, 192.168, मेरा जो लोकल क्लाइंट है उसका क्या IP एड्रेस है, मैं 100.100 है, तो मैं इसी रेंज में एक IP देना चाहता हूँ, 100.190 से लेकर 192.168.100.195। आप और भी रेंज बढ़ा सकते हो, तो मैं इस रेंज तक यानी कि इतनी IP देना चाहता हूँ DSCP के थ्रू। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। 8 डेज का लीज ड्यूरेशन है, मैं इसको 30 डेज जो भी है, इसको कम ज़्यादा जो भी करना है आप कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट 8 डेज का लीज ड्यूरेशन है, मैं वही रहने देता हूँ। नेक्स्ट करना है, यस आई वॉन्ट टू कन्फिगर दीज ऑप्शंस, तो मैं अभी गेटवे वगैरह नहीं देना चाहता, बस नेक्स्ट करूँगा, फिनिश कर दूंगा और इसको हमारा इधर कन्फिगर हो जाएगा, इसको जस्ट एक्टिवेट कर दें, ठीक है। ये हो जाने के बाद आपको अपने सर्वर ऑप्शन में आ जाना है, राइट क्लिक करना है, कन्फिगर सर्वर ऑप्शन, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग इनेबल करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ पर एक सेटिंग है जो कि स्क्रॉल डाउन करते हुए 667 बूट फाइल नेम भी आप यहां से डिफाइन करेंगे तो स्ट्रिंग वैल्यू आप यहां पर देख दे सकते हैं। यस आपको 666666 भी इनेबल करना है क्योंकि बूट सर्वर होस्ट नेम भी यहां पर आपको करना है और यहां पर आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देना है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा नेट पर देखा और ये सारी चीज़ें हैं,
उस यहाँ पर एक अपडेट हमें देखने को मिल जाता है कि कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या पर्सन द्वारा अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यहाँ पर एक अपडेट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, SMS boot slash जो कि बैकवर्ड स्लैश है x86/wdsnb.com। तो ये चीज़ हम लोग भी यहाँ पर इनेबल कर देते हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर डबल सिंगल बैक स्लैश लेना है, SMS boot बैक स्लैश एंड देन x86 जो वैल्यू है वो आपको दे देना है, wdsnbp, ठीक है, wdsnbp.com। ये चीज़ अप्लाई कर देना है, जस्ट एक स्ट्रिंग वैल्यू, आई थिंक ये कुछ भी दे सकते हैं। तो जस्ट अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर कम्प्लीट, और ये कम्प्लीट होने के बाद यहाँ का सारा काम मेरा ओके, जस्ट क्लोज कर देना है, यू मस्ट क्लोज ऑल डायलॉग बॉक्स, अप्लाई ओके, ठीक है। एंड सर्वर ऑप्शन मैंने यहाँ पर इनेबल, तो फाइनली ये दो चीज़ कम्प्लीट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। MECM प्राइमरी सर्वर पर आ जाना है और मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आने के बाद मैं बूट इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक x86 आर्किटेक्चर के लिए, एक 64 आर्किटेक्चर के लिए। अभी यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस में और सक्सेस में नहीं है, तो मैं 64 पर राइट क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट पर क्लिक करता हूँ, को भी इस कंटेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए, ओके कर दिया। और फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट करना है तो ओके कर देना। उसके बाद जस्ट आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो, रिफ्रेश ऑप्शन, सक्सेस रेट हमें एक मिलना चाहिए, तो इसके आगे फिर हम लोग आगे कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं एक मिनट तक इसको भी टाइम देता हूँ, है ना। तो अभी प्रोग्रेस वन में हुआ है, लाइव मैं चेक करता हूँ, या सक्सेस वन, बहुत ही क्विकली यहाँ पर हो जाता है और क्विक रिस्पॉन्स मेरे सर्वर द्वारा हो रहा है। ये जस्ट हमारा इधर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी एक सेटिंग यहाँ पर है जो कि अब हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के अंदर आपको एक टास्क सीक्वेंस का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो इस टास्क सीक्वेंस में हमें क्या करना है, एक टास्क सीक्वेंस क्रिएट करना है। जो भी हम लोग टास्क दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस, अभी ये करना है, अभी ये करना है, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट टास्क सीक्वेंस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस पर आने के बाद इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग इमेज पैकेजेस, तो मैं यहाँ के सभी टास्क को कॉन्फ़िगर करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग इमेज पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट करना है, फाइनली यहाँ पर कोई भी एक नाम दे सकते हो, मैं नाम दे देता हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। और बूट इमेज को कुछ नहीं करना है, यहाँ से सर्च कर लो, आपकी बूट इमेज यहाँ पर दिख जाएगी जिसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट किया है और सक्सेस रेट आपने दे, ओके कर लेना है एंड बाकी कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है इमेज पैकेज, आपने जो इंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल ISO फाइल ऐड किया था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। फाइनली यहाँ से सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक चीज़ यहाँ पर अनचेक कर दो क्योंकि BitLocker से रिलेटेड कोई सेटिंग हमें अभी नहीं करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेंडम जनरेट द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड एंड डिसेबल द अकाउंट ऑन ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म, ये ऑप्शन एक आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर जस्ट एक पासवर्ड दे देना है इनेबल करके अपना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो मैं अप्लाई कर दिया, कम कर दिया। फाइनली ये सब सेटिंग करने के बाद मुझे यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो भी क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सारी चीज़ें करे वो एक वर्क ग्रुप पे काम करे, वर्क ग्रुप का कोई स्पेसिफिक यहाँ पर देख सकते हो, डू नॉट लीव द फील्ड एम्प्टी, कोई भी एक नेम दे सकते हो वर्क ग्रुप नेम, या तो फिर मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई तुम ज्वाइन एज अ डोमेन, तो डोमेन ज्वाइन करना बेटर है। ब्राउज करते हैं और अपने डोमेन को यहाँ से स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ से स्पेसिफाई करो कि कौन से OU में उसको रखना है। मेरे पास कोई एडिशनल OU कंप्यूटर के लिए तो बना नहीं है, तो मैं यहाँ से चाहूँ तो एक OU बना सकता हूँ, ठीक है, फिर उसमें काम कर सकता हूँ। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला लाइक कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर्स ही इस्तेमाल किया हुआ है,
ये OU आपको कहाँ मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ एक्टिव डायरेक्टरी करंट का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं सीखो लाइव को एक्सपेंड करता हूँ SCCM और ये सब जो OU बना हुआ है यही चीज़ यहाँ पर दिखा। मैं बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्पेसिफाई द अकाउंट दैट हैज परमिशन द डोमेन, तो आपको वो अकाउंट स्पेसिफाई करना है जिसके भी यहाँ पर आपका जो क्लाइंट मशीन है वो इस डोमेन को ज्वाइन कर। मैं यहाँ से स्पेसिफाई करता हूँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है मेरा PM User 1 है, मैंने इसको स्पेसिफाई कर लिया। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर दे दूंगा, पासवर्ड मेरा है, जस्ट मैंने इसको सक्सेस कर लिया। एंड फाइनली मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन आएगा, तो कुछ नहीं करना है, टेस्ट कर लेना है, कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो कर देना है, अप्लाई करेंगे एंड आई थिंक सारा कुछ ओके है, नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर पैकेज के बारे में पूछ रहा है, तो देर इज़ नो नीड टू मैनेज एनी पैकेज या कुछ भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, नेक्स्ट कर दो आप। क्रिएट कैप्चर, कैप्चर यूजर सेटिंग एंड फाइल्स, ओके, तो ये एक ऑप्शन है, आप इसको अनचेक कर दो, ठीक है। कैप्चर नेटवर्क सेटिंग नहीं, कैप्चर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सेटिंग नहीं, तो ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। डू नॉट इंस्टॉल आर डू नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर अपडेट, साइट माइग्रेशन में एक ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट साइट माइग्रेशन को भी मुझे ना ये इंक्लूडेड अपडेट में आ रहा है, तो इंक्लूडेड अपडेट में मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल एनी कोई सॉफ्टवेयर मुझे कर देना है। इंस्टॉल एप्लीकेशन, मान लिया कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, क्लाइंट पर आपको सक्सेसफुली मिल गया था कि अगर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फायरफॉक्स भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पर एक गूगल क्रोम है ये भी मैंने इंस्टॉल भी हुआ था, अब यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं करूँगा, देखो गूगल क्रोम एंड फायर, अगर आप इसके साथ डिप्लॉय करना चाहते हो तो दे दो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई बहुत मैंडेटरी नहीं, तो ठीक है मैं इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। सारा आपका फुल हो जाएगा, नेक्स्ट करना है एंड एवरीथिंग इज डन, सब कुछ कंप्लीट हो गया एंड को भी क्लोज कर देता हूँ एंड रिफ्रेश कर। अब मैं टास्क ऑप्शन पर आ जाऊँ, अपडेटेड कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर ओवरऑल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें डिप्लॉयमेंट के लिए, तो नो फॉर्म राइट क्लिक करना है, यहाँ पर डिप्लॉय बटन पर सेट करना है एंड यहाँ पर हमारा जो भी टास्क है टास्क शेड्यूल 3 ओके है। कलेक्शन में यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो कलेक्शन हमारे पास जस्ट ऑल अननोन कंप्यूटर्स के लिए दे देना है, ठीक है ये चीज़ ओके। तो यहाँ से मुझे ब्राउज करना है और ब्राउज करने के बाद यहाँ पर ऑल अननोन कंप्यूटर मुझे सेलेक्ट करके ओके कर देना सभी कंप्यूटर्स के लिए। प्री डाउनलोडेड कंटेंट फॉर दिस टास्क सीक्वेंस, तो नहीं कुछ नहीं करना है, डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट वगैरह मुझे कुछ नहीं करना है, बस ये दो सेटिंग्स यहाँ पर ओके कर लेना था, नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है कि पर्पज हमारा क्या है, जस्ट अवेलेबल करना है, अनदर मैं यहाँ से ओनली मीडिया एंड PXE ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है बस ये ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अगर इसको स्केड्यूल करना है स्पेसिफिक टाइम के लिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर दो एंड देन शो टास्क सीक्वेंस प्रोग्रेस ए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ए यहाँ पर अलाउ टास्क सीक्वेंस टू रन द रन फॉर क्लाइंट ऑन द नेट, तो यहाँ पर आपको तो इसको ठीक है ओके रखो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी ओके एंड सिस्टम रीस्टार्ट भी ओके रखते हैं, जस्ट आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, चेक कर लो आप दोनों, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फाइनली हमारा कंप्लीट टास्क भी यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है एंड देन क्लोज कर दे। तो फाइनली हमारा यहाँ पर देख सकते हो ऑल कंप्यूटर्स के लिए डिप्लॉयमेंट हमारा ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। फाइनली अब मुझे नई मशीन पर जाना है, अपने नेटवर्क में बूट करना है, बूट करने के साथ आप इसका इंस्टॉलेशन स्टेप प्रोसेस कर सकते हैं। तो बस ये सेटिंग आपको करके रखनी थी। फाइनली अगर मैं बताऊं तो इसका स्टेप आप मान लिया कोई VMware मशीन है या अपने नेटवर्क में आप अपने कंप्यूटर पर जाएंगे
जस्ट आप वहाँ पर पीएक्सी बूट या F12 वगैरह से लैन बूट आपका इनेबल हो जाता है। लैन बूट के थ्रू फिर आप स्टेप बाय स्टेप स्टेप प्रोसेस कर सकते हो। जो भी इसका अगर रिजल्ट वगैरह देखना है तो मैं इसको एक रियल इन्वायरमेंट में या VMware की मशीन का सेटअप भी कर दूंगा अपने MECM या IC के साथ और दिखा दूँगा। बट रेस्ट आपको इतना आइडिया ही होगा, आप सर्वर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, CCM पढ़ रहे हैं तो बूट कैसे करना है फाइनली ये सारी सेटिंग्स के बाद, और एग्जैक्टली आपका सारा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे राइट, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर ड्रॉप कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।